रॉबर्ट जॉनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को संयुक्त राज्य अमेरिका के मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनके पिता रॉबर्ट जॉनी सीनियर भी उनके ही तरह एक अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राइटर थे। उनके पिता आधे रूसी यहूदी और आधे ईरानी थे। वहीं बात की जाए रॉबर्ट जूनियर की माँ के बारे में तो उनकी माँ एल्सी एक अभिनेत्री थी। वह एक जर्मन और स्कॉटिश वंश से ताल्लुक रखती थी। इस तरह हम कह सकते हैं रॉबर्ट जॉनी जूनियर में अभिनय की कला में ही खून है। वह अमेरिका में एक श्रमित परिवार से थे, यही वजह से वह धीरे धीरे विलासिता की ओर बढ़ने चले गए थे। रॉबर्ट जॉनी जूनियर के पिता को ड्रग्स लेने की आदत थी और मात्र 6 की उम्र से ही रॉबर्ट जॉनी जूनियर ने महरूना जैसे ड्रग्स लेने शुरू कर दिए थे। जैसे जैसे रॉबर्ट बड़े होते गए वैसे वैसे लगभग हर रात ड्रग्स और शराब का सेवन करने लगे। फिल्मी घराने से ताल्लुक रखने के कारण रॉबर्ट जॉनी जूनियर को फिल्मी सफर भी बहुत जल्दी शुरू हो गया। उन्हें 5 की आयु में ही अभिनय की दुनिया में कदम रखा और 1970 में आई फिल्म पाउंड में इस फिल्म में रॉबर्ट ने बीमार कुत्ते के पिल्ले की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में के 2 बाद ही वह फिर से ग्रेजर्स पैलेस 1972 में दिखाई दिए थे। रॉबर्ट डॉनी जूनियर बचपन से ही चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों से जुड़ चुके थे, लेकिन एक परिपक्व अभिनेता के तौर पर करियर बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले थिएटर का सहारा लिया। उन्हें थिएटर की शुरुआत नॉर्मन लेयर के प्ले अमेरिका पैशन से की। उन्होंने फिल्म में पहली कामयाबी सन 1985 में फिल्म आई टफ टफ में मिली, जिसमें उन्हें जेम्स स्पैडर के सहयोगी की भूमिका निभाई थी। इसके बाद वह कुछ और फिल्मों में सहायक अभिनेता के रूप में देखे गए। फिल्म में लीड एक्टर के रूप में रॉबर्ट डॉनी जूनियर की शुरुआत वर्ष 1987 में जानू हुक्स की फिल्म द पिकअप आर्टिस्ट के जरिए हुई। इस फिल्म में उनके रॉबर्ट द्वारा निभाए गए किरदार जैक जेरिको को सभी ने खूब सराहा। इस फिल्म के बाद रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने जीरो, चैपलिन, हार्ट एंड सोल, ओनली यू, नेचुरल बॉर्न किलर, चांसेस आर, रिटेंशन टू गर्ल्स एंड गाय, एयर अमेरिका, ब्लैक एंड व्हाइट, शॉर्टकट्स, रिचर्ड 3 और द लास्ट पार्टी फिल्मों में काम किया। रॉबर्ट डॉनी जूनियर और विवादों की आपस में शुरुआत 1996 में हो गई। उन्होंने कोकीन, हीरोइन और महिरुआना जैसे नशीले पदार्थ का सेवन करने के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें कई दिनों तक नशे की लत छुड़वाने वाले संस्थानों में भी रखा गया, लेकिन उनकी नशे की लत नहीं छूटी और रॉबर्ट जॉनी जूनियर ने कई बार नशे की आदत को अपनी मजबूरी बताया, क्योंकि उन्होंने यह लत 6 की उम्र में ही लग चुकी थी। उनके पिता भी इस लत के शिकार थे, इस वजह से उन्हें इसके लिए कभी रोका नहीं गया। रॉबर्ट अपने नशे की लत की वजह से 1996 से लेकर 2000 तक कुल 6 जेल जा चुके हैं और 2 से ऊपर जेल में सजा काट चुके हैं। आखिरी बार उन्हें 2001 में लॉस एंजेलिस शहर पे रास्ते में नंगे पैर घूमते एक पुलिस अफसर ने पकड़ा था। पुलिस को उन पर ड्रग्स लेने का शक था, लेकिन कुछ घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 5 के नशीले पदार्थ का सेवन का इलाज और गिरफ्तारी की सजा काट लेने के बाद रॉबर्ट जॉनी जूनियर ने 2001 में फिर वापसी की। ठीक होने के बाद उन्होंने पहला काम अगस्त 2001 में एल्टन जॉन की गाने आई वांट लव के वीडियो में मिला। उनके फिल्म पर्दे पर दूसरी पारी की शुरुआत एयर अमेरिका फिल्म के मित्र मेल गिब्सन की मदद से हुई। उन्होंने द सिंगिंग डिटेक्टिव में रोल दिलवाने के लिए रॉबर्ट की मदद की। इस फिल्म के बाद रॉबर्ट ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, जिसके बाद उन्होंने किस किस बैंग, डिज्नी की दंग, सैगी डॉग और डेविड फिनिचर की 2007 में बनी फिल्म जोडियाक में काम किया। रॉबर्ट डॉनी जूनियर को दुनिया भर में लोकप्रियता साल 2008 में आई मार्वल की फिल्म आयरन मैन से मिली। इस फिल्म में रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने आयरन मैन का किरदार निभाया और इस फिल्म में पहले रॉबर्ट डॉनी जूनियर के नाम इस तरह की एक भी ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं थी। रॉबर्ट जॉनी जूनियर ने आयरन मैन के लिए 5 में 10 वजन बढ़ाया। इस फिल्म के लिए रॉबर्ट डॉनी जूनियर को फिल्म समक्षों द्वारा खूब सराहा गया। रॉबर्ट ने अपनी ज़िंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव देखे। उनका बचपन पिता के नशे की लत के बीच था, जिसका वह शिकार बने और फिल्मों में करियर बनाने के बाद 1992 में उन्होंने डेब्राहो फ्लैकनोर से शादी की। शादी के कुछ साल बाद ही उनके साथ बुरा वक्त शुरू हो गया। रॉबर्ट डॉनी जूनियर पर नशे के चार्ज लगे, जिसके चलते उन्हें जेल में रहना पड़ा। जेल में रहने के दौरान उन्हें दूसरे कैदी बुरी तरह पीटा करते थे। 1 बाद जब वह पैरोल पे बाहर आए तो
उनके पति ने उन्हें तलाक का नोटिस भेज दिया। साल 2001 तक आते आते वो कई बार जेल जा चुके थे। उनकी सामाजिक छवि इससे बुरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन साल 2004 के बाद उनकी जिंदगी में नए बदलाव आने लगे। उनकी मुलाकात सुसन लेविन से हुई। रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने सुजन को प्रपोज किया, लेकिन रॉबर्ट डॉनी जूनियर के सामने सुजन ने एक शर्त रखी कि जब तक वह नशे की लत नहीं छोड़ेंगे वह उनसे शादी नहीं करेंगी। और रॉबर्ट ने खुद को नशे से पूरी तरह अलग किया और साल 2005 में सुजन से साथ शादी कर ली। ये थी रॉबर्ट जॉनी जूनियर की जीवन की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।